मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नम सुख मनवेति छाया वा अनपायने। कल पहली गाथा थी, आज दूसरी गाथा है। प्रथम पंक्ति ज्यों के त्यों है, मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया। दूसरी पंक्ति में थोड़ा परिवर्तन है, लेकिन वह थोड़ा परिवर्तन सब कुछ है। कल हम सब पढ़े थे कि मनसा चे पदुट्ठे न भासति वा करोति वा, आज है मनसा चे प्रसन्ने न भासति वा करोति वा। सभी कर्मों में मन पूर्वगामी और श्रेष्ठ है। मनोमया, सारे कर्म मनोमय हैं। मनसा चे, जब मनुष्य मन से प्रसन्नेन, प्रसन्न एवं स्वच्छ मन से बोलता है, मन में प्रसन्नता है, मन में पवित्रता है, निर्मलता है, निष्कपटता है, और तब बोल रहा है भाषति वा करोति वा, बोलता और कर्म करता है। ततो नम सुख मनवेति, तब सुख उसके पीछे चलता है। कैसे चलता है? वैसे छाया वह अनपायनी, जैसे छाया अनपायनी साथ न छोड़ने वाली छाया चलती है। यह जो तीसरी पंक्ति में जो शब्द आया है अनपायनी, अनपायनी, अनपाय धन इणी, संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है अनश्वर, शाश्वत कह सकते हैं, स्थिर कह सकते हैं, अचूक, सतत, टिकाऊ, अचल। तथागत बुद्ध कहते हैं कि जिसके मन में प्रसन्नता हो, निर्मलता हो, तो शब्द भी वैसे ही निकलेंगे। शब्द कोई अलग से नहीं आता है। ये चर्चा अनेकों बार हुई है, मन और वाणी कोई अलग अलग नहीं है, मन ही वाणी है, अलग नहीं है। शब्दों का समुच्चय ही तो है। मन क्या है? विचारों का समुच्चय, विचारों का पुंज, और विचार का मतलब शब्द। दोनों को आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं। यदि इसको कह सकते हैं तो इस प्रकार कह सकते हैं, जब भाषा मूक होती है, वाणी मूक होती है, उसे मन कहते हैं, और मन जब मुखर होता है उसे वाणी कहते हैं। अंदर भाषा है, मन में जो विचार चल रहे हैं वो भाषा ही है, शब्दों से रहित नहीं है, वह शब्दों से रहित नहीं है। और वो थोड़ी सी जो हमारे दंत, तालु, ओष्ठ, जिभ्या, ये जो शब्दों को उच्चारित करने के लिए जो यंत्र है, वहां पर जब उसको टकराते हैं, आवाज बढ़ा देते हैं, लाउड कर दिए उसको, बस वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दिए, बस इतनी सी बात है, अंदर कम है, बाहर थोड़ा प्रकट रूप में ज्यादा है,
तो जो बाहर निकल रहा है भाषा के रूप में, शब्दों के रूप में, वो कहीं अलग से नहीं आया है, आपके भीतर से आया है। ये सूत्र कितना सुंदर है, आपके मुंह से कड़वे बोल निकलते हैं, आपका मन कैसा होगा? किसी की वाणी में कटता है, उद्वेग है, कहां से आया है? जब हम नल के पास जाते हैं पानी के लिए, पानी हाथ में लेते हैं या बर्तन में लेते हैं? हाथ में या बर्तन में आए हुए पानी को देखकर हम क्या अंदाज लगाते हैं? ऐसा ही पानी टंकी में होगा। नल से पानी तब तक नहीं आ सकता जब तक टंकी में पानी ना हो, वहीं से आ रहा है। यदि टंकी में खारा पानी है, नमकीन पानी है, तो नल से कौन सा पानी आएगा? नमकीन आएगा। यदि उसमें मीठा जल है, शुद्ध जल है, तो फिर मीठा आएगा, शुद्ध आएगा। वो तो माध्यम है बस, वो एक छेद है बस, जहां से आ रहा है। और कल मैंने कहा था कि परिणाम जुड़े हुए हैं, परिणाम जुड़े हुए हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। शब्द हम निकालते हैं, कर्म करते हैं, तो जैसा हम करते हैं वैसा ही हमको परिणाम मिलता है। जो हम शब्द निकाल रहे हैं वाणी के माध्यम से, दंतोष्ठ तालु जिभ्या, मैंने कहा शरीर का हिस्सा है, अंदर में मन का है, लेकिन शरीर और मन के संयुक्त प्रयास के द्वारा हम अपने विचारों के जीवंत परिणाम बन जाते हैं। जो हमारा जीवन है वो क्या है? ये बहुत पुरानी बात कही गई, बाइबिल में बात आई है, इंसान जैसा सोचता है वह वैसा ही होता है, अलग नहीं है। एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा हम जैसा सोचोगे वैसा हो जाओगे। साहब ने क्या कहा, सोई कहंता सोई होगे। कहना एक तो जोर से कहना, भीतर भीतर सोचना, सोचे फिर कहे, सोई कहंता सोई होगे। जो अंदर में, चाहे अपने आप से कह रहे हो चाहे दूसरों से कह रहे हो, दूसरों से कहने के लिए वाणी, अपने से कहने के लिए केवल विचार, जो कह रहे हो अपने को, मैं कह रहा हूं मैं गलत आदमी हूं, मैं आलसी हूं, क्या कह रहा हूं? जो संदेश भेज रहा हूं वही तो मैं होता चला जा रहा हूं, वही होता चला जा रहा हूं। मैं उत्साही हूं, मैं सही हूं। आप कहिए उस चीज को तो आप होते चले जाएंगे। जिस चीज को आप लंबे समय तक सोचते हैं वही तो आप होते चले जाते हैं, कोई अलग है? जीवन को समझना हो तो एक पूरा पैकेज है। आत्मा है, शरीर है और मन है। आप किसी एक को ऐसे पकड़ के अलग कर दें और जीवन को समझने लगेंगे तो नहीं समझ सकते हैं। ये सब मिलकर के होता है उसका अध्ययन। आत्मा क्या है? अक्रिय है, निष्क्रिय है, वहां शब्द नहीं है। वो तो शब्द विदेह, सद्गुरु ने क्या कहा, वो शब्दों की काया से अलग है, वहां शब्द नहीं है। शरीर में भी शब्द नहीं है। विचार, चिंतन, स्मृति, कल्पना, ये शरीर से पैदा नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे हाथ से विचार पैदा हो रहे हों,
या ओंट से, दांत से, जीभ से, नहीं, इससे नहीं हो रहे हैं। शरीर में क्षमता नहीं है शब्द पैदा करे, नहीं है। अब जो हम देह भाषा भी कहते हैं ना, बॉडी लैंग्वेज जिसको कहते हैं, जिसको अनकही भाषा कहते हैं, उसका अर्थ भी वही है। कैसे? जब कोई सिर को दाएं बाएं कर रहा है, क्या कह रहा है? नहीं, ऐसा ऐसा कोई कर रहा है, नहीं, नहीं शब्द आया ना। और ऊपर नीचे कर रहा है, हाँ। कोई एकदम मुंह फुलाया है, एकदम से भौहें तनी हुई है, नाराज, क्या कह रहा है? मैं तुमसे नाराज हूं। एक संदेश है, एक भाषा है। लेकिन कोई मुस्कुरा रहा है, जैसे मुस्कुराया, अब शब्द तो नहीं निकल रहा है, लेकिन क्या संदेश है उसमें? वो शब्द के ही समझ लीजिए, अव्यक्त है बस। क्या है वह? मैं आपको पसंद करता हूं, आपके आने से मुझे खुशी है। आप यही उसका अर्थ लगाएंगे। और जो शरीर में जो रिएक्शन हो रहा है, जो प्रतिक्रिया हो रही है, वो अपने आप नहीं हो रही है, उसका भी संचालक भीतर मन है। वो कह रहा है कि ऐसा करो, ऐसा करो। तथागत बुद्ध कहते हैं कि मन कर्मों के पूर्वगामी है, सारे कर्मों के, सभी कर्मों का के पहले मन आता है। इसलिए मन श्रेष्ठ है, इसका अध्ययन बहुत जरूरी है। जीवन को समझना है तो मन को समझना होगा। ये क्या है, हम लोग का जो मानव मस्तिष्क है ना, अब मानव मस्तिष्क कहाँ है थोड़ा सा और बता दूं। मन और मस्तिष्क, माइंड कहते हैं ना उसको भी माइंड कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं, मन को भी माइंड कहते हैं। क्या है ये? दोनों एक ही है कि अलग अलग है? एक ही नहीं है, वो अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। मस्तिष्क का चित्र ले सकते हैं, उसका चीरफाड़ कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन मन का चित्र नहीं ले सकते हैं। मन का ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, उसका फोटो नहीं ले सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। जैसे हम पंखा देख रहे हैं, लाइट देख रहे हैं, तार देख रहे हैं, ये सब है, लेकिन क्या विद्युत धारा को देख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं, अलग है, अलग है। इसलिए जो हमारा, चाहे मन कहूं चाहे मस्तिष्क कहूं, मानव मस्तिष्क है, मानव मन है बेहद शक्तिशाली। कैसे? जैसे कंप्यूटर हो, पर्सनल कंप्यूटर, कंट्रोल सेंटर है। और ये किसके पास है? हम सबके पास, हम सबके पास है। इससे हम जो भी तार्किक काम करवाना चाहें, जो भी इससे काम करवाना चाहें, बिना सवाल जवाब के करने लगेगा, ये कर सकता है। लेकिन इसके लिए हमें इससे काम लेने का तरीका जानना होगा। एक बहुत ही सुपर कंप्यूटर हमारे पास आ जाए, तरीका न जाने, और जानते हैं तो गलत ढंग से जानते हैं, क्या होगा? तरीका होना चाहिए। और जब इसके साथ में सही तरीके से पेश आते हैं, सावधानी से निर्देश देते हैं, सही निर्देश देते हैं, तो क्या होता है? अपने लिए सही काम करता है। लेकिन हम इस कंप्यूटर को गलत निर्देश देंगे तो यह उसी के अनुसार काम करेगा, फिर क्या होगा?
यदि हम नकारात्मक प्रोग्रामिंग डालते जाएंगे तो उसी के अनुसार वो काम करेगा और परिणाम वैसे ही आएगा। हम नहीं जानते हैं कि कैसे काम करता है, बहुत से लोग नहीं जानते हैं और किए जा रहे हैं गलत ढंग से इसका उपयोग कर रहे हैं। क्या होगा? गलत परिणाम आ रहा है, लेकिन हम उसे बदल सकते हैं, हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। गलत कहीं हमने प्रोग्रामिंग दी है, गलत कमांड दे दिए हैं, तो हम उसको हटा करके दूसरा दे सकते हैं, अच्छा दे सकते हैं। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं कि प्रदुष्टेन, पहले यदि कहीं बुरे भाव से, गलत भाव से बोलते और करते रहे हो, उसे बदल दो। प्रसन्नेन, कितनी अच्छी बात कहते हैं। फिर क्या होगा? जैसे गलत भाव से बोलने करने से दुख पीछे लगा रहता है, लेकिन प्रसन्न मन से, अच्छे मन से, स्वच्छ मन से जब बोलेंगे और करेंगे तो क्या होगा? अब उल्टा हो जाएगा, सुख पीछे लग जाएगा। और कैसा सुख? कितनी अच्छी बात कहते, अनपायनी, स्थिर सुख, ऐसा सुख जो खत्म ही नहीं होगा। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं यहां पर, ऐसा सुख जो खत्म ही नहीं होगा, जिसका मन हर क्षण निर्मल एवं प्रसन्न है, उसके वचन और कर्म सब समय निर्मल होंगे। अलग से आपको कर्म को ठीक करना नहीं है, अलग से वाणी को ठीक करना नहीं है। साहब ने कितनी मनोवैज्ञानिक बात कही, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए। अलग अलग चीजों को कुछ करना नहीं है, परिस्थितियों को नहीं बदलना है, स्वस्थिति बदल लो, अपनी स्थिति बदल लो, परिस्थिति सब ठीक है। क्यों? जिस परिस्थिति में आप परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, गलत काम में लीन है, उसी परिस्थिति में कोई प्रसन्न है, कुछ बढ़िया अचीवमेंट कर रहा है, कुछ अच्छा काम कर रहा है, इस समय जो परिस्थिति बनी है सबके लिए सेम है, लेकिन क्या सभी लोग समान रूप से रिएक्ट कर रहे हैं? नहीं। क्या सभी लोग समान परिणाम पा रहे हैं? नहीं। सब अलग 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 अलग। तो लेकिन हमारा भाव पवित्र है, हमारा मन निर्मल है, तो वाणी अपने आप निर्मल निकलेगी, अपने आप कर्म अच्छे होने लगेंगे। यदि मेरे कर्म अच्छे नहीं हैं, तो फिर क्या करना है? भीतर संवारना है, भीतर जाना पड़ेगा। और कैसे पता चलेगा कर्म अच्छे नहीं, वाणी अच्छी नहीं है? वो परिणाम बताएगा। परिणाम अच्छे नहीं आ रहे, मेरे अनुकूल परिणाम नहीं आ रहे हैं, मैं जैसा जीवन में परिणाम चाहता हूं नहीं आ रहे हैं। तो किससे नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहां से जो गया है वही तो आ रहा है, कोई अलग थोड़ी आ रहा है। तो जो मैंने भेजा है उसको ठीक कर ले जाऊं मैं। तथागत बुद्ध कहते हैं स्थिर सुख, मनुष्य स्थिर सुख पाने के लिए क्या करता है बताओ? बहुत विद्वान होना चाहता है युवक या युवती को पकड़ना चाहता है, धन बटोरता है, एक दूसरे को पकड़ते हैं, धन बटोरते हैं, पद पर पहुंचना चाहता है, स्वामित्व, पूज्यता, गुरुवाई, महंती चाहता है, बच्चे कच्चे और दास दासी चाहता है, अनुगामी चाहता है। परंतु यह सब भयंकर भ्रम है। गुरुदेव जी कितना जोर से कहते, भयंकर भ्रम है। मैं ऊंचे पद पर चला जाऊं, मैं अनुशासता बन जाऊं, मैं मालिक बन जाऊं और सुखी हो जाऊं, इस भ्रम में हम में से बहुत लोग भ्रमित हैं। ऐसा लगता है ये हो जाएगा पास, अच्छा हो जाएगा।
गुरुदेव लिखते हैं, उपयुक्त प्राणी पदार्थों में अनुरक्ति तो जीवन में कांटे बिखेरती है। कितना एक चुभने वाला शब्द साहब को कहने में, साहब कहने में मजबूर हो गए हैं, क्योंकि देख रहे थे आसपास कि कैसे लोग एक अंधी दौड़ में फंसे हुए हैं, उसी के लिए जिसमें कुछ मिलना नहीं है, कांटे ही कांटे मिलना है। इसलिए साहब को इस शब्द कहना पड़ा, इसमें जब आसक्त हो गए, पद में, प्रतिष्ठा में, गुरुवाई में, महंती में, धन में, बच्चे कच्चे में, दास दासी में, विद्वता में, कांटे बटोरोगे कांटे बस। मनुष्य इनके राग द्वेष में उलझ कर महादुखी हो जाता है। जो अनपायनी सुख चाहे, स्थिर आनंद चाहे, वह अपने मन वाणी तथा कर्मों को पूर्ण निर्मल कर ले, फिर वह सदा सुखी रहेगा, सदा सुखी। गुरुदेव जी ने क्या कहा, सदगुरु कबीर ने, सदा रहे सुख संयम अपने, सदा रहे सुख संयम अपने। अपने मन पर संयम कर लो, अपनी इंद्रियों पर संयम कर लो, सदा रहे सुख। सदा सुख चाहते हो तो ये कर लो। अब सदा सुख के लिए हम बाहर दौड़ रहे हैं, पद प्रतिष्ठा के लिए दौड़ रहे हैं, धोखे में है। और जब ये धोखा मिट जाए तब जानो सही पथ पे आ गए। ऐसा तो लगता है कि नहीं, मैं धोखे में नहीं हूं। कमाल है, समस्या यह नहीं है कि हम धोखे में हैं, समस्या क्या है, उस धोखे को हम धोखे न मान करके सही मानने लगते हैं। गलत को, गलत होना बुरा नहीं है, लेकिन हम गलत को भी सही मानने लगते हैं। और तब क्या होता है, उस गलती से अलग होने की जो दूर दूर की संभावना होती है वह भी समाप्त हो जाती है, वो भी समाप्त हो जाती है। ये समझ में आने लगे, अरे नहीं मेरे से गलती हो गई, बस जिस दिन ये समझ में बात आई उसी दिन आप उससे अलग होने लग जाएंगे। गुरुदेव लिखते हैं कि जो आनंद चाहे वह अनपायनी सुख चाहे, अपने मन वाणी तथा कर्मों को पूर्ण निर्मल कर ले, फिर वह सदा सुखी रहेगा। जहां तक शरीर निर्वाह की बात है, उसके लिए वह अपनी श्रेणी तथा योग्यता अनुसार कर्मशील रहे। पवित्र मन वाले को शरीर निर्वाह के लिए बहुत धन नहीं चाहिए, और जितना चाहिए अपने आप आता है, अपने आप आता है, बिना यत्न के आएगा। इसलिए जो महत्वपूर्ण काम है उसे करने में लग जाए। साहेब बंद।